क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर में अपने लिए चुनावी जमीन तलाश रहे हैं? लगातार ग्वालियर में बढ़ रही उनकी सक्रियता तो यही बयां करती है। तो क्या गुना शिवपुरी से उनका मोह भंग हो गया है? क्या है सिंधिया का आगे का सियासी प्लान? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया ग्वालियर में अलग अलग समाजों के साथ बैठक कर रहे हैं। मतलब साफ है, अलग अलग समाजों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिंधिया। पिछले दिनों उन्होंने खटिक, पंजाबी, बाल्मीकि, रजक, जैन, ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाजों के साथ बैठक की। इसके साथ ही सिंधिया ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों का भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र माना जाता है सिंधिया राजघराने का गढ़। उपचुनाव सहित 20 चुनाव में सिंधिया राजघराने को 14 बार मिली जीत। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दीदी विजया राजे सिंधिया 6 बार जीती। पिता माधव राव सिंधिया ने 4 बार लहराया जीत का परचम। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 4 बार चुनाव में मिली जीत। 2019 के चुनाव में सिंधिया केपी यादव से हार गए थे चुनाव। अब महाराज का गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इसकी अपने तरीके से व्याख्या कर रही है तो बीजेपी मोह भंग की बात को कोरी कल्पना बता रही है। ये जी के मन में एक बहुत बड़ा डर घर कर गया है और इसलिए शायद हो सकता वो, मैं तो कह रहा गुना क्या ग्वालियर से अब वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि राज्यसभा की इसके माध्यम से वो सदन पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है सिंधिया जी अपनी पूरी जमीन खो चुके हैं। क्योंकि ग्वालियर की भी बात करें तो 57 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया नगर निगम में और इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ग्वालियर चूंकि संभागी राजधानी कहलाती है, किसी संभाग के अगर कोई केंद्र होता है तो वो संभाग होता है, तो संभाग में चूंकि उनका निवास भी ग्वालियर में, तो अगर कहीं ट्रेन से या हवाई जहाज से कहीं भी कोई सुविधा है वो ग्वालियर की है और एविएशन मिनिस्टर भी हैं, एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है उस क्षेत्र में। जब जाते हैं तो ग्वालियर से वो कनेक्शन तय करते हैं, गुना जाना, शिवपुरी जाना, कहाँ से जाना, तो तीनों जगह के अलग अलग रास्ते होते हैं और ग्वालियर में उनका घर है। एक वक्त था जब ग्वालियर में सिंधिया परिवार को जयभान सिंह पवैया से खतरा था, लेकिन अब सिंधिया भाजपा में है। वहीं शायद सिंधिया को ये लग रहा है कि ग्वालियर में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि गुना शिवपुरी से हार का स्वाद चख चुके सिंधिया को ग्वालियर कितना रास आएगा? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।